नमस्कार, मैं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से में। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है भीम की चोरी की कहानी। जी हाँ, रामायण की कहानी से ये कहानी कुछ कुछ मिलती जुलती है, जिसमें सीता के हट के कारण राम को हिरण को मारना पड़ा था। जी हाँ, आप ये तो जानते होंगे कि द्रौपदी का विवाह पांडवों से कैसे हुआ था। इसके बाद आप ये भी जानते होंगे कि द्रौपदी जो है वो अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अर्जुन द्रौपदी से उतना प्रेम नहीं करते थे। अर्जुन प्रेम करते थे भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से। अब कहानी में भीम कैसे आता है और चोरी तक ये बात कैसे पहुंचती है, ये हम आपको बताएंगे। द्रौपदी को इस बात को लेकर हमेशा दुख होता था कि अर्जुन अपनी दूसरी पत्नियां जैसे सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा इन सब से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते हैं। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल, सहदेव सबसे छोटे थे। इन सब के बीच भीम ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे। द्रौपदी के प्रेम में भीम इस कदर दीवाने थे कि वो द्रौपदी की हर इच्छा को पूरा करने की पूरी मुमकिन कोशिश करते थे। ऐसी ही एक कोशिश में भीम ने कुबेर के उद्यान से द्रौपदी के लिए स्वर्ण कमल की चोरी की थी, जिसके बाद युधिष्ठिर ने भीम को काफी खरी खोटी भी सुनाई थी। लेकिन तब भीम ने द्रौपदी की तुलना सीता से की थी और धर्मराज से कहा था कि क्या वो द्रौपदी को इतना भी सुख नहीं दे सकते। अज्ञातवास के दौरान पांडव शक्तियां प्राप्त करने में लगे थे। अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन था। ऐसे में द्रौपदी इस विरह की वेदना को सह रही थी। भीम बार बार द्रौपदी को यह समझाता था कि उसे अपनी इस भावनाओं पर काबू पाना सीखना होगा, कठोर बनना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे रहेगी तो पांडव कैसे शक्तिशाली बनेंगे, कैसे तपस्या कर पाएंगे, कैसे दिव्य अस्त्र पा पाएंगे। और ये बात द्रौपदी को समझाने के लिए भीम उसको खुश करने की कोशिश भी करता रहता था। अर्जुन के विरह में दुख काटती द्रौपदी को भीम अक्सर समझाते रहते थे, ऐसा रहा तो तुम्हारे अपमान का बदला कैसे लिया जाएगा, अन्याय और अधर्म को कैसे मिटाया जाएगा, पांचाली तुम कमजोर और सुखलोभी हो। भीम की कठोर वाणी सुनकर द्रौपदी खुद के मन को समझाती। अर्जुन के विरह में द्रौपदी का जीवन कट रहा था, लेकिन एक बार द्रौपदी के मन में कुबेर के उद्यान से स्वर्ण कमल के पुष्प की अभिलाषा जागी। द्रौपदी ने मन की बात भीम को बताई। भीम का द्रौपदी पर अगाध अनुराग था, इसीलिए भीम ने तुरंत ही कुबेर के उद्यान की तरफ दौड़ लगा दी और बिना किसी की अनुमति के कुबेर के उद्यान से स्वर्ण कमल को तोड़ लिया और द्रौपदी को लेकर दे दिया। भीम के इस कृत्य की वजह से कुबेर बेहद गुस्सा हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से न्याय की गुहार लगाई। युधिष्ठिर ने सबसे पहले द्रौपदी को बुलाया और अपना क्रोध जताया। उन्होंने कहा कि आप वनवासी हैं, व्रतचारी हैं, और जब वनवास के अंदर आपको ऐसी इच्छाएं हो रही हैं, ये बहुत अनुचित है। उसके बाद युधिष्ठिर ने भीम को बुलाया और भीम को कहा कि बिना माले की इच्छा के तुमने किसी के उद्यान से फूल कैसे तोड़ा, ये तुम्हारे अंदर आया कहाँ से। युधिष्ठिर ने ये भी कहा कि महिला होने के नाते स्वर्ण का, गहनों का शौक होना औरतों के लिए स्वाभाविक है और वो बिना हित अहित सोचे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन पुरुष होने के नाते तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि इसका क्या फल हो सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम ने कहा कि पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना पति का धर्म है। द्रौपदी के मन में स्वर्ण पदम की इच्छा थी, इसीलिए उसे स्वर्ण कमल लाकर देना मेरा धर्म था। मैंने अपनी तरफ से वो कर दिया। अपने कार्य की यथार्थता दिखाते हुए युधिष्ठिर के सामने भीम ने भगवान राम का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अरण्यवासिनी सीता के लिए भी भगवान राम ने मृग का वध किया था। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि जब भगवान राम माता सीता के लिए हित अहित छोड़कर स्वर्ण मृग लाने के लिए जा सकते हैं, तो फिर यागसेनी द्रौपदी के लिए स्वर्ण कमल की उपेक्षा कैसे कर सकते थे। कुबेर की आपत्ति पर युधिष्ठिर के सवालों का जवाब देते हुए भीम क्रोध में भर गए और भीम ने कहा कि राजनंदिनी कृष्णा ने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया, कितने दुख भोगे, सारे अलंकरण उतार कर अपमान सहा, ऐसे में उसकी जरा सी इच्छा को पूरा करना क्या मेरी भूल थी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि राम का स्वर्ण मृग के पीछे जाने का परिणाम क्या हुआ था,
इसीलिए याज्ञसेनी के स्वर्ण लोभ भी हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। तब ग्लानिवश द्रौपदी कठिनता से अपने आंसू को रोक पाई थी और धर्मराज की बात सुनकर भीम ने भी क्षमा मांगी। आखिरकार भीम की क्षमा के बाद कुबेर ने कहा कि अगर आपको स्वर्ण कमल चाहिए थे तो आप पहले ही बता देते, मैं आपको 1,000,000 स्वर्ण कमल भिजवा देता। कुबेर ने द्रौपदी को 1,000,000 स्वर्ण कमल देने की इच्छा जाहिर की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि द्रौपदी के चरण अगर किसी सरोवर में पड़ेंगे तो वहाँ पर जो कमल होंगे वो खिल उठेंगे और उनकी पंखुड़ियाँ सुगंधित हो जाएंगी और साथ ही साथ वो कमल इन स्वर्ण कमलों से भी ज़्यादा मूल्यवान होंगे। आपको ये भी बता दूं कि द्रौपदी ने 1,000,000 स्वर्ण कमल लेने की बात को मना कर दिया। तो ये थी कहानी भीम की चोरी की। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और साथ ही साथ अपना बहुमूल्य सुझाव भी ज़रूर दें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।